केरल में हुई हथिनी की मौत पर देशभर में गुस्सा फूट पड़ा है। केंद्र सरकार ने इस घटना पर एक्शन लिया तो वहीं प्रेग्नेंट हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिलाने के बाद उसकी मौत पर भीलवाड़ा की तुलिका सुरोलिया ने अपना आक्रोश जताते हुए एक पेंटिंग बनाई है। कलम और कला के माध्यम से दिए गए संदेश में तुलिका ने कहा कि इस कृत्य से मेरा मन दुखी है। एक भूखे और प्रेग्नेंट जानवर के साथ में ऐसा कृत्य अशोभनीय है। ऐसा लगता है कि मानवता मर चुकी है। बेजुबान जानवरों के साथ में ऐसा व्यवहार घोर निंदनीय है। ऐसा करने वाले दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर सजा उन्हें होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस हथिनी की मौत मुंह में अनानास के फटने से हुई। इससे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी दर्दनाक मौत हो गई थी। गिरी और बेजुबान वन्य जीवों के प्रति मानवीय अत्याचार की घटना से मेरा मन बहुत व्यथित हुआ। इस कुकृत्य को मैंने एक कलम की कला से मानवता के संदेश देने का प्रयास किया है और मैं चाहती हूँ कि इस घोर निंदनीय कृत्य करने वालों को कठोर से कठोर दंड दिलवाकर गर्भवती हथिनी को न्याय दिलवाएं।